You know, पुलिस का मेजर कंसर्न बैंगलोर और बाकी मेट्रो सिटीज में तो गाइज ऑलरेडी मैंने सब कुछ अपने पुराने पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कैटेलेटिक कन्वर्टर क्या होता है और उसके यूजेज क्या है और क्यूँ लगाया जाता है तो so, जो आईसी इंजन चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो चाहे वो कार का हो चाहे बाइक का हो जब ऑक्सीजन और फ्यूल बर्न होता है तो हम हार्मफुल गैसेस निकलती है हार्मफुल गैसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड है हाइड्रोकार्बन है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसके अलावा थोड़े पार्टिकुलेट मैटर्स रहते हैं तो आपने डेफिनेटली सुना होगा यूरो फोर यूरोम्स यूरो यूरो जैसे बी एस फोर और बी एस सिक्स नॉर्म्स तो ये नॉर्म्स क्या है ये नॉर्म्स बेसिकली यही बताते हैं कि कितना अलाउड है इनमें से पार्टिकुलेट मैटर्स और गैसेस आप एटमोसफेयर में एमिट कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बी एस फोर में बताऊं तो बी एस फोर में एट्टी एम जी पर किलोमीटर की लिमिट थी और वही जो बी एस सिक्स में इंप्रूव करके सिक्सटी एम जी पर किलोमीटर की लिमिट कर दी गई है नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए सिमिलरली जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उनकी लिमिट बी एस फोर में कुछ थी नहीं पर बी एस सिक्स में इनकी लिमिट फोर पॉइंट फाइव एम जी पर किलोमीटर कर दी गई है तो अब क्या होता है कि नॉर्मली जो इंजन मैन्युफैक्चर होते हैं वो अपने इंजन को इस तरह से डिजाइन करने की कोशिश तो करते ही हैं कि जितने भी हार्मफुल गैसेस कम से कम निकले लेकिन एग्जैक्टली exactly उसको उस मैट्रिक में लाने के लिए उनको कैटलिटिक कन्वर्टर लगाना पड़ता है कैटलिटिक कन्वर्टर में होते हैं कुछ रेयर मेटल्स जैसे पेलेडियम और प्लेटिनम ये दो तरह के डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस कराते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इससे क्या होता है कि जो हार्मफुल गैसेस हैं जो कि गैसेस एटमॉस्फेयर में पहुंच के पोल्यूशन फैला सकती हैं उसके अलावा एसिड रेन और कैंसर जैसी बीमारियां कर सकती हैं उनको ये ऑक्सीडाइज करके लेस हार्मफुल गैस में कन्वर्ट करती है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस करके हाइड्रोकार्बन के साथ सी ओ टू और एच टू ओ निकलता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी एन टू गैस में कन्वर्ट कर दी जाती है ऑक्सीडाइज़ करके तो कैटलेटिक कन्वर्टर में हनी कोम पैटर्न में दो मेटल्स होते हैं प्लेडियम और प्लेटिनम और इन जनरल यही होते हैं मतलब और भी कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ें यूज कर सकते हैं मैन्यूफैक्चर बट एक जनरली और जो एग्जॉस्ट से गैसेस निकलती हैं वो जब इन मेटल्स के थ्रू गुजरती हैं तो रिएक्शंस होते हैं और उसके बाद ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होकर लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं अब इसमें इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि जो कैटलिटिक कन्वर्टर्स हैं वो हमेशा हाई टेम्परेचर पे ही ऑपरेट करते हैं मोस्टली जो कैटलेटिक होते हैं वो 350, 340 डिग्री सेल्सियस के आसपास एफिशिएंटली काम करते हैं और जो कार्स में यूज होते हैं वो 400 से 420 ट्वेंटी डिग्रीज के आसपास एफिशिएंटली काम करते हैं तो इस तरह से कैटलेटिक कन्वर्टर को डिजाइन किया जाता है कि ये इंजन से निकलने वाली हीट का इस्तेमाल करके अपने आप को हीट कर ले बहुत जल्दी अब क्योंकि क्या होता है कि इंजन से जो हीट निकल रही है वो कैटलेटिक कन्वर्टर में रुक रही है आइडियली उससे क्या होता है कि इंजन इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है जो कम्बेशन चेम्बर होता है उसमें आपका फ्यूल और ऑक्सीजन बेसिकली का मिक्सचर आता है और एक कम्बशन होता है उसके बाद जो गैसेस बचती हैं दे हैव टू वेंट आउट अब वो गैसेस वेंट होके जाती हैं आपकी कैटलेटिक कन्वर्टर के चेम्बर में क्योंकि वहां पे इतना बैक प्रेशर उसकी वजह से डेवलप हो जाता है कि ना तो हीट इंजन कंबेशन चेंबर की अच्छे से वेंट हो पाती है ना ही गैसेस बहुत अच्छे से वेंट हो पाती है मैंने आपको एक रफली एक ये बता दिया कि कैसे, कैसे कैटलैटिक कन्वर्टर काम करता है और इसके होने या ना होने से इंजन में क्या फर्क पड़ता है आइडियली इन थ्योरी कैटलैटिक कन्वर्टर हटाने से इंजन ज्यादा ठंडा काम करता है ज्यादा बेटर ब्रीथ करता है ज्यादा हेल्दी रहता है इससे डेफिनेटली आपको पावर बम्प और टॉर्क बम्प मिलता है तो कहीं आपने देखा होगा कि यहाँ पे ना एक ओटू सेंसर लगा होगा आपने बहुत बार सुना होगा कि ये ओ सेंसर होता है ओ सेंसर होता है ये क्या होता है ये ओटू सेंसर यही होता है कि ये सिलेंडर से निकलने वाली गैसेस में देखता है कि ऑक्सीजन का रेशियो कितना है अगर ऑक्सीजन का रेशियो कम है और अनबर्न फ्यूल का रेशियो ज़्यादा है तो ईशू तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाता है और अगर सिमिलरली ऑन द अदर साइड अगर अनबर्नड फ्यूल का रेशियो कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है तो फ्यूल बढ़ाता है इसीलिए मेरा मानना ये है कि मैंने बहुत बार लोगों को बोला है कि इमीडिएटली ई सू साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एयर फिल्टर भी चेंज कर रहे हो तो एयर फिल्टर क्या करता है कि आपके इंजन में जाने वाली ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ाता है तो जैसी एयर फिल्टर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ेगी आपका जो एग्जॉस्ट पे निकलने वाला मिक्सचर लीन हो जाएगा और ही लीन होगा आपको ओ सेंसर इंजन ईश्यू को बताएगा और ईशू अपने आप फ्यूल की क्वान्टिटी पर साइकिल बढ़ा देगा उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो में ये बोला कि आपने जो डिकड करा है या फिर कोई भी जो डिकैड करता है ना वो एक्चुअली मैं पोल्यूशन फैला रहा हूँ और ऑलरेडी इतना ग्लोबल वार्मिंग और इतना पोल्यूशन है तो मैं एक्चुअली मैं सही काम नहीं कर रहा हूँ तो उसमें दो चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ सबसे पहले जो बी एस सिक्स इंजन है या फिर यूरोन इंजन कंट्रोल्ड होते हैं और बहुत कम पॉल्यूटेंट निकालते हैं एग्जॉस्ट एग्जॉस में पोल्यूटेंट लाइक हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड और यू नो सस्पेंडेड पार्टिकल्स बट होता यह है कि क्योंकि बाइक्स जब बन जाती हैं दे दे हैव टू गो थ्रू अ टेस्ट बिफोर है सर्टिफिकेशन एनी वेर इन द वर्ल्ड उसके लिए क्या होता है कि जब आपकी बाइक का जो जीरो आरपीएम से लेके ट्रेवल लिमिट तक का जो आरपीएम है उसके अलावा अलग अलग गैस में जो ग्राफ है पोल्यूटेंट्स का वो कभी कांस्टेंट नहीं होता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो कभी ना कभी उस लाइन जो बॉर्डर गवर्नमेंट ने सेट करी है आपके पॉल्यूटेंट्स की जो लिमिट पर यू नो पर किलोमीटर सेट करी है उसके बाहर जा सकती है तो ये एक तरह का फेल सेफ होता है कि भाई कैसे भी करके ना उसके बाहर तो जानी ही नहीं चाहिए इसीलिए लगाया जाता है वरना बाई डिफॉल्ट भी कोई बहुत ज़्यादा बी या बी एस फोर इंजन नहीं है पहली चीज तो ये दूसरी चीज मैं बताता हूँ कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं आपने कन्वर्टर हटा के बहुत पोल्यूशन फैला रहे हो सबसे पहली बात तो कन्वर्टर कंपनी लगा के देती है ना चाहे वो कार हो चाहे वो बाइक की जो लाइफ टाइम है जो वो अपने हंड्रेड परसेंट पे वर्क करते हैं वो कार्स के लिए मोस्टली फोर्टी थाउजेंड फोर्टी फाइव थाउजेंड किलोमीटर और एक साल से अठारह महीने के बीच में काम करते हैं और बाइक के लिए अठारह हजार बीस हजार किलोमीटर ही काम करते हैं और एक साल उसके रीजन मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले जो कन्वर्टर होता है उसके अंदर एक मैश बहुत घना मैश होता है जिसमें होते हैं रेयर मेटल्स पलेडियम और प्लेटिनम दो चीजें होती है पले, पलेडियम और प्लेटिनम आपके रिएक्ट होकर डिप्लीट हो जाते हैं दूसरा क्या होता है कि जो डस्ट थोड़ी बहुत आती है ना एग्जॉस्ट से उससे जो आपका जो मैश है ना वो गंदा हो जाता है जब मैश गंदा होता है तो सबसे पहले बहुत ज्यादा बैक प्रेशर डेवलप होने लगता है इंजन पे जो इंजन की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और ट्रस्ट में लोग बोलेंगे कि बैक प्रेशर अच्छा है मैं इंजियंस के बारे में जानता हूँ ऐसे इंजियंस के बैक प्रेशर इज नेवर गुड गो आस्क एनी ऑटोमोबाइल इंजीनियर दूसरा जब वो मैश गंदा हो जाता है और जो आपके रेयर मेटल्स डिप्लीट हो जाते हैं उसके बाद कोई पोल्यूशन कंट्रोल नहीं करता और इसीलिए बी एस सिक्स इंजन बाई डिफॉल्ट उनकी पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक साल के लिए वैलिड होती है उसके बाद यू हैव टू गो टू अगेन एंड गेट अ पोल्यूशन सर्टिफिकेट दैट इज द रीजन एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है बट प्रोसेस ये होता है कि कार्स और बाइक दोनों में ही यू हैव टू क्लीन द दैटलेटिक कन्वर्टर और कई टाइम तो ये भी रिक्वायर्ड हो सकता है कि आप उसके मैशेस को चेंज करें बट इंडिया में अभी वो सब फॉलो नहीं होता और उतनी जरूरत होती भी नहीं है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैटलेटिक कन्वर्टर के, के होने से भी एक साल के बाद आपकी बाइक को कोई फायदा कोई पोल्यूशन में फर्क नहीं पड़ने वाला है और उल्टा आपके इंजन के लिए नुकसान ही है अब मैं आपको बताता मतूँ कि मैंने कैटलेटिक कन्वर्टर जब से रिमूव किया मैं उसको सिटी में चला चुका हूँ हाईवे में चला चुका हूँ गाड़ी बहुत हेल्दी चलती है हीटिंग इशूज एकदम फील नहीं हो रहे उसके दो एक कारण ये भी हो सकता है कि बैंगलोर में वेदर बहुत अच्छा है बट मैंने सिटी में इंटेंसली ट्रैफिक में चलाया मेरे को एकदम हीटिंग इशूज फील हुआ और मेरा माइलेज बढ़ गया है परफॉर्मेंस ऐसी चीज है कि मैं आपको वीडियो में इमीडिएटली प्रूव नहीं कर पाऊंगा बट माइलेज बढ़ गया और जिस जिसपे मैंने वीडियो भी बनाया मैं एक दो दिन में डाल दूंगा उसके अलावा एक दूसरा फैक्टर मैं ये बोलूंगा कि जब विद विदलेटिक इन्वर्टर जब मैं बाइक चलाता था तो, तो इंजन की नॉइस बी एस एक्स में ना कोई भी बाइक चला लो लीटर क्लास में चला लो तो जो इंजन की नॉइज़ है वो ज्यादा सुनाई देती है कम्पेयर टू तो एग्जॉस्ट बिकॉज वो एडिटी कन्वर्टर और एग्जॉस्ट दोनों मिलकर ना इतना ज्यादा उसको म्यूट कर देते हैं कि जो इंजन के जो टाइमिंग चेन है और जो घिर की साउंड है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्या मुझे वो इंजन की घिर घिर और अनाइंग साउंड नहीं सुनाई देती है मुझे प्योर एग्जॉस्ट की साउंड सुनाई देती है सो तो गई उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मुझे एक बात बोली कि मतलब ऐसे तो पार्ट्स चेंज करने से कोई परफॉर्मेंस बढ़ेगी नहीं जब तक आप पिगी बैग इशू या फिर फ्यूल वगैरह नहीं इंस्टॉल करो तो मैं उनके लिए एक बात बताता हूँ ना पार्शियली सच है उसका रीजन मैं बताता हूँ मैट्रिक्स इंजन परफॉर्मेंस की मैनुफेक्चर देता है वो एक आइडियल मैट्रिक होती है एक स्पेसिफिक एल्टीट्यूड पे, पे मोस्टली सी लेवल पे बट जो ईश्यू होता है इश्यू परफेक्ट स्टोक्योमेट्री पे काम करता है स्टोक्योमेट्रिक बेसिकली कि एक ऐसा एरिया ग्राफ में जिसके जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट है परफॉर्मेंस की वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऐसे काम करती है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप हाई अल्टीट्यूड पे हो जहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो आपके एग्जॉस्ट से ऑटोमेटिकली अनबर्न फ्यूल ज्यादा निकलने लगेगा और ये जो ओटो सेंसर यहाँ पे रहता है ये ऑटो सेंसर तुरंत इशू को बताता है कि भैया ऑक्सीजन कम आ रही है इसलिए अनबर्न फ्यूल ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो फ्यूल है वो कम कर देता है इसलिए आपकी माइलेज बढ़ जाता है सिमिलरली जब आप एयर फिल्टर चेंज करते हो तो ऑक्सीजन ज्यादा जाती है अब ई तो उतना ही ऑक्स पेट्रोल भेज रहे हैं इंजन ब्लॉक में तो आपकी ऑक्सीजन लेवल इस ऑटो सेंसर को ज्यादा मिलने लगती है जैसे ही ईसी को पता चलता है वो फ्यूल का रेशियो भी बढ़ा देता है इससे आपकी ब्लास्ट बड़े ब्लास्ट होंगे और परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होगी अब इसमें एक दो तो चीजें आप और कर सकते हो जैसे और अच्छी क्वालिटी का स्पार्क प्लग लगा सकते हो उससे क्या होता है कि और अच्छा ब्लास्ट होता है जैसे कि रीडियन स्पार्क प्लग नेक्स्ट मेरा वही होने वाला है इन सब चीजों से क्या होता है कि यू नो पि बैग इश्यू कराओगे रीमैप्स कराओगे तो आपकी और बेटर परफॉर्मेंस निकलेगी डेफिनेटली पर फिर भी मैन्यूफेक्चर ने जो एक बैंडविड्थ डिजाइन करी है उसके बेस्ट तो आप पहुंच ही जाओगे इन सब चीजों को करने से और उसके बाद अगर आप और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो डेफिनेटली पर एक देखिए जो मैनुफेक्चरर ने बाइक को टेस्ट कराया ना वो इसी बैंडविड्थ के मैक्सिमम तक टेस्ट करा है उसके ऊपर आपका ये इंजन का जो केसिंग है या फिर जो सीलेंट है वो कैसा काम करता है वो उन्होंने टेस्ट करा नहीं है तो मुझे पर्सनली यही लगता है कि जो मैनुफेक्चरर का जो डिजाइन बैंडविड था उसके मैक्सिमम तक बाइक को ले जाना चाहिए उसके ऊपर फिर आप अपने रिस्क पे ले जा सकते हो और वारंटी तो फिर आप भूल ही जाओ अभी मेरा नेक्स्ट यही रहेगा कि मैं आटलुक्स वगैरह चेंज करूंगा पूरा इरिडियम सेट पे जाऊंगा जो कि मैंने अपनी जीटी में भी कर रखा है उससे डिफरेंस पड़ता है क्योंकि जितना क्लीन ब्लास्ट होता है उतना फ्यूल कम निकलता है और उतना ही आपको यू नो लोअर आइटम पे टॉर्क और बेटर मिलता है और माइलेज भी बढ़ता है थोड़ा बहुत तो इससे मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयर फिल्टर बदलने से आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती है एयर फिल्टर भी बदलोगे तो भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और ये जो डी कैट है ना पूरा सिस्टम ये सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं है ये बेसिकली आपके ओवरऑल इंजन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है वेट रिड्यूस होता है इंजन हेल्थ अच्छी रहती है बाइक हीट कम करती है और परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ता है तो मैंने ना स्टॉक बाइक और इस बाइक को बैक टू बैक कंपेयर भी किया जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है लिंक इन द टॉप राइट कॉर्नर तो गाइस इस वीडियो को मैं यही रैप कर रहा हूँ ऑलरेडी रात हो गई फॉर सम रीजन शूट करते करते तो आपको इस डी कैट प्रोसेस के से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आपको इस ए ई डब्ल्यू सेटअप पे कोई क्वेश्चन हो या ओवरऑल हिमालयन फोर फिफ्टी से कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख मैं उसका आंसर जरूर करूंगा और गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट हेल्प्स एस अ लॉट एंड कीप्स अस मोटिवेटेड एंड थैंक यू वॉचिंग आर वीडियो बाय बाय टेक केयर सेफ ड्राइविंग